रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बेटा अहमियत के, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है, व्हाई दिस सिस्टम बिकम वेरी पॉपुलर, ये सिस्टम क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहली बात बेटा कि आई हैव मेंशन लास्ट टाइम डैट के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि डिफरेंट कंट्रीज में या एक ही कंट्री में मौजूद जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसमें एक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, जिसकी वजह से हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेने लगी हूँ कॉमन सी ऑनियन की। ऑनियन को जिसको ऑनियन जिसको हम उर्दू में प्याज कहते हैं, हमारे ही मुल्क के कुछ इलाकों में कुछ लोग इसको कहते हैं जी गंडा, कुछ कहते हैं जी इसको वैसल और कुछ कहते हैं इसको बैसल। अब एक ही ऑर्गेनिज्म है और उसके चार से पांच नाम हैं, तो ये तो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी आनी वैसल लेके आए, किसी भी अपनी स्टूडेंट को कहती हूँ ही मस्ट बी कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज होगा कि वैसल तो हमने पहली दफ़ा सुने। तो बेटा और अगर इन्हीं वर्ड्स को हम बाय आउट ऑफ द कंट्री यूज़ करें तो दे मस्ट आल्सो भी कन्फ्यूज, वो भी कन्फ्यूज होंगे। तो जब एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है तो इट ऑलवेज क्रिएट द कन्फ्यूजन कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। इसीलिए इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, इस मिस्ट्री को ख़त्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म्स को एक ही नाम दिया गया, ताकि जब भी इस नाम को इस नाम से किसी भी ऑर्गेनिज्म को पुकारा जाए तो इट मस्ट बी अंडरस्टूड, लोगों को समझ आ जाए कि इस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो प्याज का बेटा या ऑनियन का साइंटिफिक नेम रखा गया एलियम सीपा। अब जब भी एलियम सीपा का नाम आएगा साइंस वर्ल्ड में या एजुकेटेड वर्ल्ड में, दे मस्ट बी अंडरस्टूड, वो जान जाएंगे लोग के प्याज की ही बात हो रही है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि पहला केस था कि एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नामों से पुकारा जाता था। अब दूसरा केस हमारे पास ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम से पुकारा जाता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम घर में रहने वाले चार लोग हैं, चारों लोगों के अगर सेम नाम रख दिए जाए तो वो जब भी एक को पुकारा जाएगा चारों के चारों हाजिर हो जाएंगे, तो ये भी तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जब सेम नाम दिया जाता है तब भी बेटा जी क्या होता है, हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी एक बर्ड है जी जिसका नाम है जी ब्लैक बर्ड। अब ब्लैक बर्ड तो बहुत से, फॉर एग्जाम्पल हाउस क्रो भी हो सकता है कौवा, और पहाड़ों पर रहने वाला जो जंगली क्रो है जिसको हम रेवन कहते हैं वो भी हो सकता है, दैट इज मोर ब्लैक इन कलर। तो ब्लैक बर्ड का वर्ड हम दोनों के लिए यूज़ करें, लेकिन ये भी तो हमारे लिए जो है वो गलत है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि हम एक्चुअली किसके बारे में बात करें। इसी तरह तीसरी रीज़न क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की या साइंटिफिक नेम देने की ऑर्गेनिजम्स को, के जो कॉमन नेम्स होते हैं बेटा जी उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होती कि हम किस बेस पे इनको नाम दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फिश की, फिश जो है इट इज़ द वर्टिब्रेट, ये वर्टिब्रेट है, इट हैज़ द गिल्स, इसमें गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं फॉर देयर मूवमेंट। लेकिन हम जनरली नाम देते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स को, कॉमनली नाम दे देते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल क्रे फिश हो गया, इसी तरह स्टार फिश, इसी तरह जेली फिश, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम हैं। और ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स, और फिश की जो क्लास होती है वो तो वर्टिब्रेट्स को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे तो ये साइंटिफिक रीजन ही खत्म हो जाती है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं बनती कि इन ऑर्गेनिजम्स को फिश कहा जाए, ये तो उनके कॉमन नेम्स हैं और कॉमन नेम्स का कोई साइंटिफिक बेस होती नहीं। इस लिहाजा बेटा इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से मशहूर किया गया, जिस बेस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स दिए गए। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था बेटा मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है जी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। व्हेन एवर ब्रासिका कंपेस्टस का नाम आए
दिमागों में यही बात आएगी कि मस्टर्ड प्लांट के बारे में बात की जा रही है। क्लियर हो गया। इसी तरह कुछ साइंटिफिक नेम्स हमारी बुक में भी मेंशन है, फॉर एग्जांपल ऑनियन का नाम है, इसी तरह बेटा स्टारफिश का नाम है जिसको हम, जिसका नाम होता है एस्ट्रेडियस रोबिन्स, स्टारफिश का नाम है बेटा जी हमारे पास, क्या स्टारफिश का नाम है जी हमारे पास एस्ट्रेडियस रोबिन, हाउस क्रो का नाम है जी कॉर्वस स्प्लेंडस। तो ये बेटा साइंटिफिक नेम जो आपकी बुक में मेंशन है इसको कम से कम लाजमी आपने तैयार करना है, कहीं से भी हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है। एक और जो मैं डिस्कस करने जो लगी हूँ, पी का नाम भी हमारी बुक में गिवन है इसी चैप्टर में, पी प्लांट का, उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। तो स्टूडेंट्स इस नेमिंग के सिस्टम को प्रॉपर्ली कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।